दोस्तों, अगर आपको भी SBI बैंक की तरफ से मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इसका सारा का सारा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। आपको स्क्रीन पर जो नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, इनसे आप जब भी जैसे आपका बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट चेक करते हो तो आपको भी SBI बैंक की तरफ से मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड आपको SMS देखने को मिलता है। जैसे आपको करना क्या, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम किस तरह के आती है। यहाँ पर जैसे आप ये नंबर डायल के यहाँ पर जैसे कॉल करोगे मिनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए, बैलेंस चेक करने के लिए SBI बैंक में, तो जैसे आप कॉल करोगे यहाँ पर मिस कॉल जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर कॉल कट जाएगा, उसके बाद में आप देख सकते हो मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड इस तरह का SMS आपको देखने को मिल जाता। तो आप सोचते हो आपके बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि आपके बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बता दूँ, इसका सारा का सारा सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। उसके लिए आपको SMS ओपन कर लेना आपके मोबाइल का, और जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर यहाँ पर आप साइड में नंबर देख सकते हो, ये नंबर आपको यहाँ पर डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, इसमें आपको मैसेज में आपको यहाँ पर टाइप कर देना, इसमें यहाँ पर REG यहाँ पर आपको इस तरीके से टाइप कर देना। उसके बाद में स्पेस आपको दे देना यहाँ पर, और आपके जो भी SBI बैंक के अकाउंट नंबर है यहाँ पर आपको डाल देना, और सेंड आपको कर देना। जो मैंने आपको नंबर बताए ऊपर आप देख सकते हो, इन पर आपको इस तरीके से SMS आपको सेंड कर देना। उसके बाद बैंक की तरफ से आपको एक रिवर्ट मिलेगा, एक SMS आपको बैंक की तरफ से भेजा जाएगा। आप देख सकते हो SBI कस्टमर, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से SBI कस्टमर यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इस तरीके से आपको ये मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब भी आप यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट चेक करोगे अब आपको इस तरीके से ये प्रोसेस फॉलो कर लेना। उसके बाद में वापस से ये नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये नंबर आपको आपके मोबाइल में डायल कर लेना। उसके बाद जो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंक के साथ, इस तरीके से आपको कॉल कर लेना। आप यहाँ से बैंक स्टेटमेंट, आप बैलेंस इंक्वायरी चेक कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, इन नंबर पे कॉल कर देना। कॉल करने के बाद में यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कॉल कट जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर SMS आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो SBI PSG इस तरीके से, और ये जो आपका स्टेटमेंट है बैलेंस इंक्वायरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। SBI बैंक की तरफ से SMS आ जाएगा, आप देख सकते हो आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है ये आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट 5 यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन बता दिया। बहुत से दोस्तों को ये प्रॉब्लम आती है तो उन्हें यह लगता कि उनके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि उनके मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से कर सकते हो। तो अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।